दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ भाषण दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं, जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना, तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में जोश से भरे दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जाविहीन हो जाता है, लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा, अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जाविहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा। सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी। शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वो तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे, यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार
अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवार। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जा करके उन्हें वह सारी चीजें पता लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिससे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छे तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा पड़ जाता है, वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है, और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहां पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस संसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि गुरुवार, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वे चीज उनके बच्चे हासिल करें, वह सारा भार अपने बच्चों पर लाद देते हैं, बच्चे उनके हिसाब से चले, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपें।
गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। यह सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी, और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी, आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगोगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनने का, वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है, या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं यह कहूं कि यह सामने वाला आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी और या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। गुरु कहते हैं कि तो अगर यह हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे, तो क्या यह सही है? शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला का, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोलें कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे, कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। यह सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम्ही को ही पता होंगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है,
अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो, और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानते ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते, लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके तर्कपूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा। और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी, उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुन करके उनका कोट-कोट नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम जो मैं बताया हूँ, अगर आप भी उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तरीके से आप भी मानसिक रूप से मजबूत अवश्य बनेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे।